शाहरुख को अंकल बुलाने पर ट्रोल हुई सारा अली खान। यूजर ने दिया ये जवाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सारा अली खान ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को अंकल बोल दिया है। इस पर दोनों को फैंस आपस में भिड़ गए हैं। शाहरुख के फैंस का कहना है कि इस तरह से सुपरस्टार को अंकल बुलाना बिल्कुल गलत है। वही सारा अली खान के फैंस का कुछ और मानना है। चलिए आपको पहले पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल बात ये थी कि फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान सारा अली खान ने शाहरुख खान को अंकल बुलाया था। इस पर कई यूजर्स ने कई कहा कि बड़े स्टार के बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो। वहीं सारा अली खान के फैन का कहना है कि शाहरुख सारा के दुगने उम्र के हैं, तो अंकल बोलना बिल्कुल ठीक है। सारा की अभी सिर्फ दो ही फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन उनका स्टारडम किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल में सारा को फिल्म केदारनाथ के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इस दौरान उन्होंने स्पीच के दौरान शाहरुख खान को अंकल कहकर संबोधित किया। इसके बाद किंग खान के फैंस ने सारा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर अब ट्विटर पर लोगों के बीच जंग छिड़ गई है। कुछ लोग सारा को समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ये बात नहीं पच रही है। सारा के विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि युवा अभिनेत्री द्वारा शाहरुख को अंकल कहना अनुचित था। उस समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान उम्र में सारा से दुगने हैं और उन्हें अंकल कहने में कुछ भी गलत नहीं है। एक फैन ने कहा, सारा अली खान ने फिल्म फेयर में शाहरुख खान को चाचा को बुलाया और लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। 23 साल का व्यक्ति 50 साल के व्यक्ति को क्या कहकर संबोधित करेगा। उनके प्रशंसकों का यह मानना है कि दिक्कत है कि उनका हीरो अब अंकल की उम्र का हो गया है। वहीं एक फैन ने कहा कि मैं सारा अली खान को ट्रोल करने वालों का समर्थन करता हूं। वो दादा की उम्र की तरह दिखने वाले शाहरुख को अंकल कैसे बुला सकते हैं। इसके जवाब में एक फैन ने कहा, अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को अंकल बोलते हैं तो कैसा लगता। शाहरुख को अंकल बुलाना गलत नहीं है, लेकिन सर कहना ज्यादा बेहतर है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान इन दिनों लव आजकल 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में वो कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।